खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। नई पीढ़ी के लिए संत समाज ने क्या कहा, यह विचार दलाल बाग में आयोजित महोत्सव के समापन अवसर पर संत महात्माओं ने व्यक्त किए। विश्व ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महतो ने बताया कि सुबह से देवाराधना के साथ ही हवन पूजन और अनुष्ठान का क्रम चलता रहा। दो दिवसीय अभिभावकों महोत्सव में दूसरे दिन कल सुबह से यज्ञ हवन अनुष्ठान और पूजन का क्रम दोपहर तक चला, जिसमें प्रमुख रूप से चारों वेदों के मंगल मंत्रों का जय घोष, महामृत्युंजय जाप, सामूहिक हनुमान चालीसा आदि चलते रहे। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। जैसा जन्मदिन मनाना चाहिए उस हिसाब से केक काटने वाला जन्मदिन ही मना पंडित योगेंद्र महन जी का। सप्त ऋषि का पूजन हुआ, सप्त चिरंजीवी का पूजन हुआ, नवग्रह मंडल की स्थापना की गई, हवन पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी के आचार्य तत्व में 11 विद्वानों द्वारा संपन्न कराया गया, जो सुबह से लेकर चल रहा था अभी उसकी पूर्णाहुति हुई है। शाम के समय पूरे देश भर से, अयोध्या से, काशी से, बनारस से, मथुरा वृंदावन से, भोपाल से, होशंगाबाद से, चारों तरफ से संत महात्मा महामंडलेश्वर यहाँ पधार रहे हैं, जो पंडित योगेंद्र महंत जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि वह 60 वर्ष पूर्ण करके आगे का जो जीवन है वो एक नई ऊर्जा के साथ जिए और नई ऊर्जा के साथ सभी साधु संतों का, सभी ब्राह्मणों का और सभी समाज के जरूरतमंद वर्गों का वो सहयोग करते रहें। पंडित पवनदास महाराज हंसदास मठ संस्थान, इंदौर।